सो है व्हाट्सएप गाइस, दिस इज अनिश खाना बैगिन विद माई न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपना जो वर्कआउट है वो कितनी देर तक करना चाहिए, किसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। इसी का आज मैं आपको वीडियो में आंसर दूंगा कि हमें कितना वर्कआउट करना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें जितनी जरूरत है उतना वर्कआउट करना चाहिए, बट कि हम पता कैसे करेंगे कि हमें कितनी जरूरत है। इसका जो सबसे अच्छा आंसर है वो है कि जो हम वर्कआउट के टोटल सेट लगाते हैं, हम उसके नंबर से पता कर सकते हैं कि हमें कितना लंबा वर्कआउट लगाना चाहिए। तो जो इसके सबसे बेस्ट नंबर हैं वो हैं 12 से 25 के बीच में लगाने चाहिए जो सेट इसके, एंड ये इसका सबसे बेस्ट आंसर है। एंड जब भी आप अपनी एक्सरसाइज में सेट इंक्लूड करते हो तो वो इसी रेंज में रहने चाहिए, 12 से 25 के बीच में। एंड जो इसमें आपका वर्म अप है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। एंड अगर आप अपने वर्कआउट में रेस्ट पीरियड थोड़ा लॉन्ग रखते हो तो आपका जो वर्कआउट है वो लंबा चला जाएगा। एंड अगर आप अपने वर्कआउट में रेस्ट पीरियड शॉर्टर रखते हो तो आपका जो वर्कआउट है वो थोड़ा जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो आप ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग ही अपने वर्कआउट में। एंड देखो, ये जो सेट का टोटल रूल है ऐसे पत्थर पे लिखी नहीं है कि इसी से आपको, बट ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। आप इसको यूज करके देख सकते हो, एंड बड़े बड़े एक्सपर्ट ने भी इसको यूज किया है, इसी से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। सो ये था सबसे अच्छा आंसर इसका कि हमें कितना देर वर्कआउट करना चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, यही था आज की वीडियो में। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, एंड अगर हो सका तो मैं आपके लिए उस पर वीडियो भी बना दूंगा। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।